भाई साहब जॉन विक तो सभी ने देखी होगी। देन इसके बाद अभी रिसेंटली एक ट्रेलर आया था मंकी मैन का। देन उसके बाद अभी आपने एनिमल मूवी, संदीप रेड्डी वांगा की एनिमल मूवी तो आपने देखी होगी। इन तीनों में क्या कॉमन था भाई साहब? वॉयलेंस एंड हार्डकोर एक्शन थ्रिलर जिसपे पेल के खुल के सब कुछ दिखाया गया है। सिंगल हैंड कॉम्बैट, वो क्लोज सीन्स दिखाए गए हैं जहां पर भाई आपको ना एक बार के लिए दया आ जाएगी, फील हो जाएगा अंदर से कि भाई इतनी ब्रुटैलिटी भी हो सकती है क्या। सेम चीज भाई अपना बॉलीवुड करते नजर आ रहा है भाई। बॉलीवुड में यानी एनिमल से तो छाप छोड़ी दी थी कि भाई साहब बॉलीवुड में भी ऐसी मूवी जा सकती है, लेकिन 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 इससे भी भयंकर, उससे भी खतरनाक वाला एक्शन, यानी एनिमल से भी बढ़कर वाला एक्शन, बिल्कुल जॉन विक को जो टक्कर दे रहा है भाई। धर्मा प्रोडक्शन हाउस अपना बॉलीवुड बदल रहा है क्या? धर्मा प्रोडक्शन हाउस करण जौहर का, जहाँ पर भाई इतने जल्दी एवोल्यूशन नहीं आता है, लेकिन भाई एक्शन मसाला में एक्शन पैक्ड हार्डकोर एक्शन किल मूवी का टीजर आ चुका है, जिसमें लक्ष्य एक नए आर्टिस्ट मुझे देखने को मिल रहे हैं। भाई साहब इस वॉयलेंस से भरी मूवी का टीजर ड्रॉप आउट हुआ है, जो कट टू कट कल्ट क्लासिक हार्डकोर एक्शन को फॉलो करता है। एंड भाई लिटरली मेरे गूज़बम्प्स उठ गए हैं इस मूवी को देख के, और एक्साइटमेंट का लेवल दुगना तिगुना हो चुका है। फिलहाल मुझे पता भी नहीं था कि ये ऐसी मूवी जो आने वाली है, लेकिन भाई साहब टीजर इतना प्रॉमिसिंग है कि अभी से बहुत सारा हाइप एंड वाइब ये मेरी तरफ से ले जा चुका है। टीजर को रिव्यू करेंगे, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। भाई साहब अपने बॉलीवुड में इतना ज़्यादा इवोल्यूशन इस लेवल पर देखने को मिल जाएगा बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। अभी रिव्यू करेंगे, उससे पहले वीडियो को एक लाइक, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना भाई साहब। एक लाइक एक सपोर्ट और ये जर्नी यूं ही चलती रहेगी। शुरुआत करते हैं भाई साहब डायरेक्टर की, अगर मैं बात करूं, क्योंकि डायरेक्टर का ही विजन ऐसा दमदार हो सकता है भाई। संदीप रेड्डी वांगा ही इकलौते ऐसे डायरेक्टर देखने को मिल रहे थे, लेकिन भाई बिल्कुल मैच कर रहे हैं उसको निखिल नागेश भट्ट करके एक डायरेक्टर हैं, जिसके डायरेक्शन में भाई बहुत दम देखने को मिल रहा है। मतलब वह एनिमल वाला जो ट्रस्ट था ना, वो ट्रस्ट बूस्ट होते नजर आ रहा है इसमें से। बहुत वॉयलेंट, बहुत ब्रूटल और धमाकेदार एक्शन भाई इसमें मिलने वाला है। क्लोज सीन, सिंगल हैंडेड कॉम्बैट सीन, चाकू वगैरह जो हाथ में मिल रहा है वो मतलब उसे एज वेपन इस्तेमाल करा जा रहा है। लाइक वो जरा भी झिझक नहीं है, सब कुछ खोल के दिखाया जा रहा है। आंखों में वो चाकू मारने वाला सीन ले लो, चाहे आप वो टॉयलेट सीट में उल्टा पटक के सर फाड़ने वाला सीन ले लो। देन उसके बाद फायर एक्सटिंग्विशर से वो 3-4 बार सर पे मार के उसे खींचने वाला सीन भाई, बहुत बहुत वॉयलेंस मिलने वाला है, बहुत वॉयलेंस। टीजर और समय नहीं देखा है तो जाके जरूर देखना, क्योंकि इस मूवी की बिल्कुल भी हाइप फिलहाल तो नहीं देखने को मिल रही थी, क्योंकि 1-2 घंटे गुजर चुके थे और 1,00,000 व्यूज भी इसके नहीं आए थे, तो हो सकता है कि बहुत लोगों ने नहीं भी देखा होगा। लेकिन भाई साहब धर्मा प्रोडक्शन हाउस का हाथ इसके सर पर है, तो बजट में बिल्कुल भी इन्होंने कमी नहीं करी है। थोड़ा सा VFX का अगर ये पार्ट डालेंगे तो उसमें भी कोई कमी नहीं देखने को मिलेगी। बाकी भाई एक्शन के मामले में, क्योंकि एक पैसेंजर ट्रेन से सफ़र का हिसाब किताब शुरू हो रहा है, जिसमें एक कपल जा रहे हैं और कपल में अपना लक्ष्य जो मेन लीड पर है और उसकी गर्लफ्रेंड को अपना राघव जुआल। भाई साहब कास्ट की बात करें तो राघव जुआल एज निगेटिव फेस देखने को मिला, यानी एज विलन देखने को मिल रहा है, जो हीरोइन को मारते नजर आ रहा था। तो मूवी बहुत धांसू होने वाली है, क्योंकि जो लक्ष्य अपना हीरो है भाई, इसमें ना दया नाम की कोई चीज़ नहीं देखने को मिल रही है। मतलब सिंपल फेस, हाथ में जो आ रहा है मारो बस, और रिवेंज एंड रिवेंज, और रिवेंज वाली भावना में हमने जॉन विक को देखा ही था भाई। कोई एक्सप्रेशन नहीं, सामने जो आएगा उड़ा डालो, बस उड़ा डालो, और ये सारी चीज़ भाई इसमें देखने को मिल जाएगा। मूवी का वेट करते हैं, 5 जुलाई को मूवी आ जाएगी। एंड कास्ट में अपने राघव जुआल, लक्ष्य एंड हीरोइन का नाम खैर मुझे नहीं पता है, आप जरूर बता के जाना अगर आपको पता है तो। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो पर, जय हिंद।